हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल एक फ़ोन आया था, वो भाई क्या बोलना चाह रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया, बट उस रिलेटेड अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके रिलेटेड है। डीवर्मिंग हो गया ये, ऐसा तो उन्होंने बोला, मतलब डीवर्मिंग डॉग वर्म्स हुए ऐसा बोलना था शायद से उनका, और वोमिट में से वर्म्स आए ये उन्होंने बोला। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेजेबल है, जिनके पास अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं आज ये बात आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डीवर्मिंग पपीज़ में, जब आपके पास पपी बॉर्न होता है तो एक 25 या 30 डेज में आप डीवर्मिंग कर दीजिए, लिक्विड डीवर्मिंग आता है। उसके बाद हर 15 दिन में आप डीवर्म कीजिए। अगर आपका डॉग एडल्ट है तो हर 3 महीने में आप उसका डीवर्मिंग कीजिए। और एक बात याद रखिए, जो भी डीवर्मिंग आप यूज कर रहे हैं उसको शफल कीजिए, मतलब आज ये दे रहे तो नेक्स्ट 3 महीने के बाद दूसरा दीजिए, दूसरे 3 महीने के बाद तीसरा, ऐसे 2-4 ब्रांड यूज़ कीजिए तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिख जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं जिसमें वर्म्स के वो ब्रेन तक जा रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है डॉग के लिए, बहुत सारे इशू आते हैं वर्म्स की वजह से। तो ये जो भी मेरा वीडियो जो भी भाई देख रहे हैं या फिर जो भी है, ये बात उनको अगर है नहीं, वहाँ पे कोई है नहीं या फिर कुछ नहीं है, तो प्लीज़ उस पर केयर कीजिए। डॉग का केयर करना मतलब वर्म्स मेन है। जो डॉग जो खाता है वो बॉडी को भी लगता नहीं अगर वर्म्स वगैरह है तो डॉग का केयर करने के लिए आपको हर 3 महीने में उनका डीवर्मिंग कंपलसरी कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, मे भी आधे लोगों को पता होगी आधे को नहीं है, फिर किसी को पता मे भी हो सकता है, बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रही हमें ही सब पता है, बट ये नॉलेज में रखिए। और वर्म्स जो भी डीवर्मिंग यूज़ करेंगे वो ब्रांडेड यूज़ कीजिए और शफल करते रहिए, तो इससे आपका डॉग का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और कोई हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज वर्म्स की वजह से फिर बाकी का इन्फेक्शन भी वो डॉग को कैरी होता है। मतलब आप ये बात समझ के चलिए, अगर डीवर्मिंग नहीं है तो एडल्ट डॉग में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, और वर्म्स बड़ा डॉग में आपने देखा रहेगा बहुत उनका जानलेवा ही है ये, तो आपको समझ में नहीं आता क्या है किस वजह से है, तो प्लीज़ केयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।